मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ आपके सामने साप्ताहिक राशिफल लेकर। साप्ताहिक राशिफल जो कि सप्ताह भर आपको कैसा जाएगा, आपके लिए कहाँ समस्याएं आ रही हों, कहाँ आपको अच्छा मिलने वाला है और आपको क्या उपाय करने हैं, इसके साथ में आपको ये पूरा वीडियो मैं आपको देती हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल मैं चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। जन्मांक में जहाँ आपका चंद्रमा होता है वो आपकी चंद्र राशि होती है, उसके आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो जो प्रचलित आपका इस समय नाम है उस नाम के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। दोस्तों मैं नियमित आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी देती हूँ जो कि आपके नौ ग्रहों पर आधारित होते हैं। इसमें आपको अपनी राशि देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है ना लग्न। इन्हें कोई भी व्यक्ति बच्चे से लेकर बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। ये मानसिक तनाव को दूर करते हैं और ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति लाते हैं, तो उन्हें भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे प्रतिदिन के वीडियोज़ आपको समय से मिलते रहें। मैं हेल्पफुल वीडियोस देती हूँ, ग्रहों पर आधारित होते हैं, आपकी समस्याओं पर आधारित होते हैं, ऐसे उपाय जिसमें ना तो आपका समय ही लगता ना कोई धन खर्च होता है। तो प्लीज़ देखना शुरू कीजिए कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस। ये जो साप्ताहिक राशि फल है ये 7 नवंबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक का है। बात करूँ मेष राशि की तो मेष राशि के लिए इस समय क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु ये चार चार ग्रह विराजमान हैं, आपको हर कार्य में सफलता दिलाएंगे, मान सम्मान की प्राप्ति दिलाएंगे, आपके सोचे अटके कार्य सारे ये आपकी गति पाएंगे। हाँ यही आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है, आपकी स्वास्थ्य आपका खराब रह सकता है, वाणी आपकी थोड़ी कड़वी हो सकती है, तो बोलते समय चाहे वो अपना जीवन साथी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, बोलते समय थोड़ा सा अपने शब्दों का चयन कीजिए, वाणी पर कंट्रोल कीजिए, जीवन साथी के साथ में बेवजह ही विवाद में मत उलझिए, शांति के साथ में रहिए। सप्ताह आपके लिए एनर्जी लिए हुए हैं, आप सोचे हुए कार्यों को कर सकते हैं तो कीजिएगा जरूर। शुक्र आपका क्योंकि अभी लग्न को सूर्य देख रहा है तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। इस सप्ताह आपको पूरे सप्ताह आपको शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करना है जिससे कि यह जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 8 तारीख का, इसका असर आपके ऊपर ना हो, आपका मन मस्तिष्क शांत रहे और आपके लिए सारे रास्ते आपके लिए लाभप्रद साबित हो जाए। बात करूं वृष राशि के लिए, वृष राशि के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा आपके लिए, आपके कार्यों में गति रहेगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करूँ तो शिक्षा में उनका मन लगेगा, शिक्षा अपने शिक्षकों का भी उनको सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही वृष राशि के जातकों के लिए भी स्वास्थ्य में कफ कोल्ड की शिकायत हो सकती है आपको, आपके लिए एलर्जी है, स्किन एलर्जी, इस तरह की कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं जिनके लिए आप प्रिकॉशन लीजिए, बचकर रहिए क्योंकि इस समय वैसे भी वायरल फैला हुआ है, तो आपके लिए थोड़ा सा ये समय कफ कोल्ड को बढ़ा सकता है, ठंडी चीज़ों का सेवन बंद कीजिए, साथ में ही अपने सोचे हुए कार्यों को आप समय से पूरा कर पाएं इसके लिए आपको इस सप्ताह भोलेनाथ पर आपको दूध अर्पित करना है। पूरे सप्ताह पर आप दूध अर्पित कीजिए, भोलेनाथ पर जल अर्पित कीजिए, दूध अर्पित कीजिए, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बात करूँ मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही अधिक लाभप्रद होने वाला है, चौतरफा आपको लाभ मिलेगा, आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, वाणी में आपके ओज रहेगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, नए ऑर्डर्स मिलेंगे आपको, आपको विदेश के लिए भी आपको कोई निमंत्रण मिल सकता है, आपके लिए आने वाला समय काफ़ी लाभप्रद है। आपको चाहिए कि आपको गणेश जी को धूप घास अर्पित करते रहिए पूरे सप्ताह, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक और भी ज़्यादा आपके लिए एनर्जेटिक हो जाएगा, लाभप्रद साबित होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने जा रहा है, ये सप्ताह आपको सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा,
मान सम्मान की वृद्धि कराएगा, सोचे अटके कार्यों में गति आएगी, बच्चों का करियर भी ठीक रहेगा, जीवन साथी के साथ में भी आपका यहाँ पर तालमेल अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य की बात हो सकती है कि थोड़ा आपको आप लो फील कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा अभी ग्रहण 8 तारीख को लग रहा है, जिस वजह से आपको थोड़ी एनर्जी लो फील होगी। एक मिश्री का सेवन कीजिए, दूसरा शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित कीजिए। सप्ताह भर करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए और भी ज़्यादा लाभप्रद हो जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए भी ये सप्ताह मिला जुला रहेगा, बहुत अधिक आपके लिए लाभकारी नहीं तो बहुत अधिक नुकसान भी नहीं, सामान्य रहने वाला है। आपका अपने बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना, आपका घूमना फिरना हो सकता है, अचानक आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, आप किसी कार्य के लिए बहुत समय से सोच रहे हैं उस कार्य में भी आपकी गति आ सकती है। आपके लिए थोड़ी सी यात्रा कष्टप्रद हो सकती है तो इसके लिए आपको सूर्य को जल अर्पित कीजिए रोली और हल्दी डालकर, तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ हो जाएगा। कन्या राशि के लिए, ये कन्या राशि के लिए थोड़ा सा सप्ताह कष्ट भरा रहेगा, स्किन एलर्जी हो सकती है, कार्यों में विलंब हो सकता है, आपको तनाव हो सकता है, दुविधा की स्थिति आपके लिए पैदा हो सकती है, करूं या ना करूं, आपका वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा खटपट का माहौल हो सकता है। शांतिपूर्वक इस सप्ताह को आप निकालिए, बेवजह किसी विवाद में मत उलझिए, किसी के फटे में टांग, जिसको कहते हैं कि ना बेवजह ही किसी की गवाही दे देना या किसी की पैरवी कर देना, वो सबसे थोड़ा सा दूर रहिए इस सप्ताह, सामान्य रहिए। आप इस हफ्ते पूरे सप्ताह दुर्गा जी की उपासना कीजिए, दुर्गा जी के 40 का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य ही रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए ये सप्ताह आपके लिए ऊर्ज में वृद्धि करेगा, आपके सोचे अटके कार्य आपके होंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी। हाँ, थोड़ा आपको झुंझलाट रह सकती है, गुस्सा रह सकता है आपको, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, धैर्य के साथ में आप सोचिए जो आप कहने जा रहे हैं वो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बात कहिए, क्योंकि सूर्य और बुध की युति साथ में शुक्र की युति आपको वैभवशाली बनाती है, तो कहीं कहे हुए शब्द आपके लिए आपके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचा दें। जॉब, व्यवसाय, जीवन साथी सभी के लिए सामान्य समय है। आपको चाहिए शिवलिंग पर आप मीठा दूध चीनी डालकर, आप दूध में थोड़ा चीनी डालिए, शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, साथ में शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए, तो ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से भी बेहतर हो जाएगा। बात करूं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा सा ये समय कष्टकारी है, यात्रा में आपको कष्ट हो सकता है, जोड़ों के दर्द हो सकते हैं, कोई बीमारी आपकी पुरानी उभर सकती है, स्किन एलर्जी भी हो सकती है। हालांकि धन के मामले में देख रही हूँ तो धन के मामले में आपके लिए सभी जगह से आपको धन आगमन के मार्ग दिखाई दे रहे हैं, धन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। बॉस के साथ में थोड़ी अनबन हो सकती है, थोड़ा सा अपने व्यवहार को कंट्रोल कीजिए, पिता के साथ में, बॉस के साथ में, ये सप्ताह बेवजह के विवादों में मत उलझिए, ना जीवन साथी के साथ में और ना ही किसी अन्य के साथ में। इस सप्ताह आपको पूरे सप्ताह भर आप शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित कीजिए, साथ में थोड़ा सा शुद्ध शहद मिक्स करके आप अर्पित करते हैं, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी हो जाएगा। बात करूं धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी लाभप्रद होने वाला है, लाभ के चौतरफा रास्ते खुलेंगे, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान आपको लाभ के रास्ते दिलाएगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, सोचे अटके हुए कार्यों में गति आ जाएगी, जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, नया अगर आप विवाह योग्य हैं तो कोई विवाह का रिश्ता भी आपके लिए चलकर आएगा। आपको चाहिए इस समय आपको भगवान विष्णु को आप हल्दी और केसर का टीका अर्पित करें, उसके बाद अपने मस्तक पर लगाएं, सप्ताह आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएगा। बात करूं मकर राशि के लिए, तो मकर राशि के लिए भी ये सप्ताह सामान्य से बढ़कर ही रहेगा। आपको चाहिए पूरे सप्ताह आप शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए, साथ में शनिवार वाले दिन आपको पीपल के नीचे चौमुखा दीपक जलाइए, पीपल के नीचे, शनिदेव के नीचे नहीं, सरसों के तेल का, और अपनी मनोकामना मांगिए आप क्या चाहते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाएगा। बात करूँ कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के लिए ये सभी तरफ से
लाभ के रास्ते लेकर आ रहा है आपके लिए। जहाँ आप इतने दिनों से परेशान थे, कोई कार्य आपका हो नहीं रहा था, सोच सोच के आप परेशान थे, धन आगमन सारे मार्ग रुके हुए थे आपके लिए, वो सारे ही रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। जो भी आपके अटके हुए कार्य हैं उन्हें तुरंत गति दे दीजिए, कर लीजिए, आलस को छोड़ दीजिए। और इसके लिए आपको सूर्य के जल में आपको हल्दी डालिए और साथ में ही शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, तो ये सप्ताह आपके लिए और भी ज़्यादा लाभप्रद हो जाएगा। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए ये सप्ताह आपके लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। आपके भी हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, गुरुओं से सम्मान मिलेगा आपको, किसी समारोह में जाने के लिए आपको एक अवसर प्राप्त हो सकता है। विवाह योग्य हैं तो विवाह के लिए आपके लिए कोई नया प्रपोजल आ सकता है। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखी रहने वाला है। बॉस के साथ में भी आपकी अच्छी ट्यूनिंग दिखाई दे रही है। आपको पूरे सप्ताह भगवान विष्णु को माखन और मिश्री का भोग लगाइए, साथ में तुलसी दल अर्पित कीजिए। ये सप्ताह आपके लिए बेहतर हो जाएगा, आपके सभी कार्यों में गति आ जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। जीवन रक्षा कवच या आपको वीसा यंत्र चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे इसी नंबर पर, या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही जाकर लिखना होगा, जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज मत कीजिए, मैं आपको वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट पढ़ूंगी, मुझे वहीं पर मैं आपको आंसर दे दूंगी। कोई आपकी जिज्ञासा है वो भी मुझे आप यूट्यूब के कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि मैं आपकी वो जिज्ञासा शांत कर सकूँ, आपके उस विषय पर आपको वीडियो बनाकर दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।